hello everyone and welcome back to our channel join mns academy in this video we are going to solve mcqs of solid state and the uh, pdf of this session would be available on our app which is join mns academy and also on our telegram channel you can check link of both of these in the description box now let's start with the questions the solid nacl is bad कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस ऑप्शन ए इन सॉलिड एन ए सी एल देर आर नो आयनस ऑप्शन बी सॉलिड एन ए सी एल इज़ को वैलेंट ऑप्शन सी इन सॉलिड एन ए सी एल देर इज़ नो वैलोसिटी ऑफ आयनस ऑप्शन डी इन सॉलिड एन ए सी एल देर आर नो इलेक्ट्रॉन्स सो क्वेश्चन ये है कि जो सॉलिड एन ए सी एल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विच इज़ इन सॉलिड एन ए सी एल देयर आर नो आयंस प्रेजेंट तो जो एन ए सी एल जब सॉलिड स्टेट में होता है वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड होता है और जब इसको हम वाटर में डालते हैं एज इन वो एक्वस कंडीशन में आता है तब वहाँ पे आयंस फॉर्म होते हैं जो एन ए प्लस होता है एंड सी एल माइनस हो फॉर्म में आता है तो जब वो आयन्स फॉर्म होते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है तब तक अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वहाँ पे हमें आयंस फॉर्म नहीं हुए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा तो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इन सॉलिड एन ए सी एल देर आर नो आयंस फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन ए डायमंड ऑप्शन बी सिलीकॉन ऑप्शन सी ग्रेफाइड ऑप्शन डी एमॉर्फस कार्बन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी graphite a crystalline solid option a changes abruptly from solid to liquid when heated option b has no definite melting point option d c undergoes deformation of its geometry easily option d has an irregular three dimensional arrangement correct answer is option a चेंजेस एब्रपली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड वेन हीटेड सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट होता है और उनका जो फ्यूजन uh, पॉइंट होता है हीट ऑफ़ फ्यूजन वो भी बहुत डेफिनाइट होता है एज इन एक फिक्स पॉइंट में ही वो मेल्ट uh, होना स्टार्ट होते हैं इसलिए जैसे ही हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट करते तो वो एब्रपली सॉलिड से लिक्विड में आ जाते हैं वैस और इन अदर केस जो एमरफोज सॉलिड होते हैं उनका कोई एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट या फिर एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है इसलिए वो धीरे धीरे फ्रॉम सॉलिड्स टू लिक्विड में आते हैं और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एब्रप्टली हीट करने पे लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए चेंजेस एब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड वेन हीटेड नेक्स्ट क्वेश्चन द लश्चर ऑफ मेटल इज़ ड्यू टू ऑप्शन ए इट्स हाई डेंसिटी ऑप्शन बी इट्स केमिकल इनर्टनेस ऑप्शन सी इट्स हाई पॉलिशिंग ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल्स होते हैं उनके बीच में कुछ कुछ जैसे डिफेक्ट्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे तो उन डिफेक्ट्स के वजह से जो मेटल्स होते हैं वो लश्चरस होते हैं और जो है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर से उधर उस सॉलिड में मूव करते हैं इसलिए उनके ऊपर एक लश्चरस दिखता है हमें जब हम लेते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सिलीकॉन शुड बी डोक्ड सो एज टू गिव पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर्स ऑप्शन ए सेलिनियम ऑप्शन बी जरमीनियम ऑप्शन सी बोरॉन ऑप्शन डी आर्सनिक करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज़ बोरॉन सो जो पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर्स होते हैं उन्हें एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ भी कहते हैं और जो अदर टाइप होता है उन्हें एंड टाइप एन टाइप सेमी कंडक्टर्स कहते हैं so, जो पी टाइप सेमी कंडक्टर्स होते हैं उन्हें एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ कहते हैं एंड जो उनका बीच में जो मॉलिक्यूल्स की कंडक्टिविटी होती है वो होती है ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज होल्स बीच आर पॉजिटिवली चार्ज होल तो उनके मूवमेंट की वजह से वहाँ पर सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज आती है एज इन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिलिकॉन इज ए सेमी कंडक्टर बी कंडक्टर सी इंसुलेटर बी नन ऑफ दीज सो इसका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेमी कंडक्टर जो सिलिकॉन है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ अपनी मेटल्स की तरह शो करता है एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ अपनी नॉन मेटल की तरह शो करता है तो वो एक सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है एज इन वो कभी कभी कुछ केसेस में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर पाता है और कुछ केसेज में नहीं कर पाता है इसलिए सिलिकॉन को हम सेमी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेशियम क्रिस्टलाइज विथ अ ऑप्शन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिकलेटिस ऑप्शन बी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकलाइटिस ऑप्शन सी सिम्पल क्यूबिकलाइटिस ऑप्शन डी ऑर्थोरम्बिक क्यूबिकलाइटिस सो इसका करेक्ट आंसर है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकलाइटिस जिसको हम बी सी सी बी कहते हैं सो so, इसके अदर एग्जाम्पल जो बी सी सी लाइटिस में क्रिस्टलाइज होते हैं वो है लीथियम सोडियम रुबीडियम सीजियम जनरली जो अल्कली मेटल्स हैं वो बी में क्रिस्टलाइज करते हैं तो अगर आपके पास कोई पोटेशियम के अलावा भी आए तो जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जनरली वही इसमें बीसीसी फॉर्म में क्रिस्टलाइज करते हैं तो अगर वहाँ पे ऑप्शन है तो आप उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको एक चांस लेना है क्योंकि एमएनएस में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप फॉर फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप के लिए आप बी सी सी को टिक कर सकते हैं अगर आपको करेक्ट आंसर याद नहीं हो तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एन ए बी टाइप स्ट्रक्चर इज़ फाउंड इन ऑप्शन ए एन ए सी एल ऑप्शन बी सॉरी वो ऑप्शन का ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन बी सी एफ टू ऑप्शन सी ए एल टू ओ थ्री ऑप्शन डी एन ओ सो so, इसका करेक्ट आंसर है सी ए एफ़ टू यहाँ पर ऑप्शन की मार्किंग में थोड़ा सा रॉ मिस्टेक है इसलिए मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ इसका करेक्ट आंसर है सी ए एफ़ टू सो इसकी आप स्टोक्योमेट्री देख के समझ सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी ए एन एफ टू सो यहाँ पे ए बी टाइप या फिर ए बी टू टाइप ए बी ए टाइप ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप एक बार चेक कर लेना यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए डाला है ऐसे और भी क्वेश्चन से आपको पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ na एन ए प्लस इन एन ए सी एल एस ऑप्शन ए सिक्स ऑप्शन बी एट ऑप्शन सी फोर ऑप्शन डी वन सो इसका करेक्ट आंसर है एन कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स जैसे कि एक ये अगर एन मॉलिक्यूल है तो जब ये एक लैटिस फॉर्म करता है तो इसके अराउंड और कितने एन पॉजिटिव पॉजिट एन पॉजिटिव होंगे जो इसको सराउंड करेंगे तो जो एन का जो लैटिस फॉर्म होता है उसमें एक एन पॉजिटिव को उसके अराउंड में सिक्स सी उसको सराउंड करके रखते हैं एंड वैसे ही जो सी होता है उसको और सिक्स एन पॉजिटिव सराउंड करते हैं और इस तरीके से ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं या फिर एक बड़ा सा लैटिस फॉर्म करते हैं तो एन का कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होता है नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट क्रिस्टल्स शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स आयल्स और मॉलिक्यूल्स आर ए वीकली बॉन्डेड टुगेदर बी स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड टूगेदर सी स्पेरिकली सीमेट्री सीमेट्रिकल ऑप्शन डी अरेंज इन प्लेन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी अरेंज इन सेम प्लेन्स सो जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका क्लीवेज जब हम करते हैं तो वो गुड क्लीवेज इसलिए शो करता है क्योंकि वो सेम प्लेन में अरेंज होता है मान लो एक ही एक क्रिस्टल है और अगर हम इसे ऐसे कट करेंगे तो जो इसके टू पार्ट्स बनेंगे वो इक्वली लुक अलाइक होंगे एक दूसरे के एंड ये एक ही प्लेन में अरेंज होते हैं इसलिए ये गुड क्लीवेज शो करते हैं तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाई डू क्रिस्टल शो अ गुड क्लीवेज बिकॉज दे आर अरेंज इन सेम प्लेन दे शो अ गुड क्लीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड इज ए एल टू ओ थ्री ऑप्शन बी एफ ई थ्री ओ फोर ऑप्शन सी पी बी ओ ऑप्शन डी एन आई ओ टू करेक्ट आंसर इज़ एफ ई थ्री ओ फोर तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी स्टोक्योमेट्री डिफरेंट होती है और ये जनरली आयरन निकल या फिर ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं कॉपर वो शो करते हैं एक वो जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे अपनी अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर और उनकी वैलेंसी चेंज हो जाती है इसलिए वो डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ अरेंज uh, होकर कुछ ना कुछ कंपाउंड फॉर्म करते हैं जैसे एफ़ ई थ्री ओ फोर है तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है और आयरन है वो अलग अलग फॉर्म में है जो रेशियो ऑफ कैटाइन और एनायन है वो डिफरेंट है इसलिए ये नॉन स्ट्रोक्योमेट्रिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है जैसे आयरन है वो एफ ई टू ओ भी ऐसे कंपाउंड भी फॉर्म करता है और भी कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं जहाँ पे उसकी स्ट्रोक्योमेट्री डिफरेंट होती है और जो उसके साथ जो अदर मॉलिक्यूल होता है उसके साथ उसका रेशियो डिफरेंट होता है तो इसलिए दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ नॉन नॉस्ट्रोक्योमेट्रिक कंपाउंड सर्टेन क्रिस्टल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑन प्रेशर दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ऑप्शन ए पायरो इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन बी फेरोक्ट्रिसिटी ऑप्शन सी पाइजो इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन डी एंटी सो इसका करेक्ट आंसर है पाइजो इलेक्ट्रिसिटी सो पाइज़ो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि एक क्रिस्टल होता है ना उसका कुछ एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है हम उन क्रिस्टल्स को इस तरह से अरेंज कराते हैं कि उनका एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है और जब उस क्रिस्टल पे हम एक मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं जिससे उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो जाए तो वहाँ से कुछ आयंस निकलते हैं और वो मूव करते हैं पूरे उस स्ट्रक्चर में और जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एंड उस इलेक्ट्रिसिटी को हम पाइजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं एंड इसका एग्जाम्पल है क्वाड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिफेक्ट कॉज कॉजे डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल ए फ्रेंकुल डिफेक्ट बी इंस्टिशियल सी शॉर्ट के डी एफ सेंटर करेक्ट आंसर इज शॉर्ट के डिफेक्ट सो शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो एक ये क्रिस्टल है ऐसा एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक कटायन है यहाँ पे एक अनयन है एन अगेन यहाँ पे कटायन है तो इसमें क्या होता है कि ये जो अनायन है ये अपने स्पेस से यहाँ से निकल के इस क्रिस्टल से ही पूरा बाहर चला जाता है अपना नेगेटिव चार्ज ले कर सो so, इस मॉलिक्यूल को थोड़ी देर के लिए हम स्टेबलाइज करने के लिए ये क्रिस्टल अपने आप ही क्या करता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाता है इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से इस पूरे क्रिस्टल की एक जो न्यूट्रलिटी है वो तो मेंटेन हो जाती है बट जा, अगर यहाँ से एक अनायन जाएगा तो उसकी डेंसिटी तो डिक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पर जो अनायन गया उसका चार्ज एंड मास जो होगा वो दोनों लेके गया है एंड इलेक्ट्रॉन जो आया है वो उससे कभी ज़्यादा भी हो सकता है कभी कम भी हो सकता है एंड इलेक्ट्रॉन जो भी होगा इस मॉलिक्यूल से कम ही होगा तो वहाँ पे एक जो क्रिस्टल की ओवरऑल डेंसिटी है उसमें डिक्रीज होगा एंड ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ही एटम एक ही अनायन का लेके बताया है और ऐसे बहुत सारे और भी अनायन एक पूरे क्रिस्टल में हो सकते हैं क्योंकि क्रिस्टल जो होता है वो एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए क्रिस्टल बनता है तो अगर ऐसा एक हायर नंबर ऑफ़ अनाइंस करते हैं जब एक क्रिस्टल के अंदर तो वहाँ पे एक डेंसिटी डिक्रीज उनकी ऑब्जर्व होती है सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सी विच इज शॉट की डिफेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफ सेंटर एज ए इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन वॉइड्स ऑफ क्रिस्टल ऑप्शन बी एफ सेंटर प्रोड्यूसिस कलर टू द क्रिस्टल ऑप्शन सी conductivity of the crystal increases due to f center option d all of the above इसका करेक्ट आंसर है ऑल द अबव जो एफ वर्ड है उस एफ वर्ड का मीनिंग है एफ फारबे फारबे मीन्स कलर होता है ये जो फारबे वर्ड है ये जर्मन वर्ड है तो जहाँ पे भी जो एफ सेंटर है वो क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड करता है ये फारबे से हमें करेक्ट हो गया कि फारबे uh, मीन्स ही कलर होता है दैन जो वर्ड्स फॉर्म होते हैं एक अनायन या कटान के मूव होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके उसकी प्लेस को थोड़ी देर के लिए ऑक्योपाई कर लेते हैं जैसे कि मैंने शॉर्ट शॉर्टकेट डिफेक्ट में बताया था अभी एंड जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उस क्रिस्टल की कंडक्टिविटी uh, के लिए भी हेल्प करते हैं तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए हैं वो तीनों करेक्ट है फॉर द एफ सेंटर डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विद बोर लीड्स टू एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर पी टाइप सेमी कंडक्टर सी मेटल टी इंसुलेटर इसका करेक्ट आंसर है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर सो जो बोरोन होता है वो उसकी ट्राई वैलेंट कंपाउंड होता है तो जब वो सिलिकॉन uh, के साथ इंप्योरिटी के साथ सिलिकॉन uh, की इंप्योरिटी के साथ हम उसे डोपिंग करते हैं तो वो एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की तरफ वर्क करता है एंड उसमें जो कंडक्टिविटी होती है वो उसके होल्स की वजह से कंडक्टिविटी ऑफ द होल्स जो भी हम सेमी फॉर्म करते हैं उसके वजह से होता है द फ्लेम कलर्स ऑफ मेटल आयन आर ड्यू टू ए फ्रेंकल डिफेक्ट बी शॉर्ट के डिफेक्ट सी मेटल डेफिशेंसी डिफेक्ट डी मेटल एक्सेस डिफेक्ट सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मेटल एक्सेस डिफेक्ट सो जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्रिस्टल होता है उसमें एनायंस लीव कर जाते हैं उसकी जगह इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को हीट करते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा एनर्जी को लेते हैं और जब उनके पास हायर एनर्जी आ जाती है तो वो एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे कलर इम्पार्ट करते हैं तो जो हमारा फ्लेम टेस्ट होता है उनका यही प्रिंसिपल होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हायर एनर्जी पर भेजो तो जब वो हायर एनर्जी पर जाते हैं तो वो कलर एमिनेट कर करते हैं एंड जब वो लोअर लोअर एनर्जी पर आते हैं और ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो उनका कलर नहीं होता है मीन्स वो कोई कलर uh, हमें इम्पार्ट नहीं करते हैं तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मेटल एक्सेस डिफेक्ट Schottky defect occurs mainly in electrovalent compounds where option A positive ions and negative ions are of different size, option B positive ions and negative ions are of same size, option C positive ions are small and negative ions are big in size, option D positive ions are big and negative ions are small in size. सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच इज़ जो पॉजिटिव uh, आयन है एंड जो नेगेटिव आयन है उनका साइज़ नियरली सेम होना चाहिए जो शॉर्ट की डिफेक्ट्स में जो क, जो शॉर्ट की डिफेक्ट्स में जो कंपाउंड होते हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो जनरली हाई होता है सिक्स और एट और जो इसका एग्जांपल है वो एन है एंड सी है तो जो एन एंड सी है तो ये जो दोनों कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं क्रिस्टल में इनके जो दो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे एन है उसमें एन ए एन जो है उसका जब वो आयंस फॉर्म में आते हैं तो उनका जो साइज़ है वो नीयरली सेम होता है और वो नीयरली सेम होने की वजह से एक बड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नंबर का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है वो एन एन ए में ही होता है तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है उनका साइज़ नीयरली सेम होना चाहिए तभी शॉर्ट की डिफेक्ट ऑब्जर्व होगा तो जैसे कि अगर ये एक मॉलिक्यूल है NaCl का यहाँ पे और भी सारे उसका सिक्स है तो ये जो एक स्ट्रक्चर है इसको सराउंड करते हुए और फाइव स्ट्रक्चर्स होंगे तब जाके एक इसका क्रिस्टल फॉर्म होता है तो जो एन ए है और सी एल है वो नियरली सेम साइज़ के हैं तो वो अगर यहाँ से एक एन ए निकलता है तो एक और सी एल भी साथ में निकलता है कि इसका मॉलिक्यूल का ओवरऑल जो इलेक्ट्रो इसका ओवरऑल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन हो पाए उस स्ट्रक्चर का पूरा जो एक नॉर्मल चार्ज है वो मेंटेन हो पाया मान लो अगर एक सिर्फ पॉजिटिव जाएगा तो इसमें एक नेगेटिव आयन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और अगर सिर्फ नेगेटिव आयन क्लोरीन क्लोरीन निकल जाएगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो, तो इसलिए जो शॉर्ट के डिफेक्ट है इस टाइप का इसमें दोनों uh, जो मॉलिक्यूल्स है एन ए पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव वो दोनों साथ में ही इक्वली बाहर निकलते हैं एंड जो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और इनके साइज़ जो होते हैं वो नियरली सेम होते हैं एक दूसरे के तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर ऑफ सेम साइज स्ट्रक्चर ऑफ सेडन एस इज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सी सिंपल क्यूबिक डी फ्लोराइड स्ट्रक्चर सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक इन अ क्रिस्टल द एटम्स आर लोकेटेड एट

वो बहुत अनस्टेबल फॉर्म होगा और अनस्टेबल फॉर्म होगा तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ ही नहीं पाएगा मतलब हमें एक क्रिस्टल फॉर्म होता हुआ दिखेगा ही नहीं सो so, जो एटम्स होते क्रिस्टल में वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे प्रेजेंट होते हैं टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल नेक्स्ट क्वेश्चन डायमंड इज हार्ड बिकॉज ए ऑल द फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर कार्बन एटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड ऑप्शन बी इट इज़ अ जॉइंट मॉलिक्यूल ऑप्शन सी इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ऑप्शन डी कांट बी बर्ंड सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑल द फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड ईच कार्बन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड सो जो कार्बन जो डायमंड में जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है एस थ्री और उस एक कार्बन मॉलिक्यूल को फर्दर और कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ते हुए बहुत सारे यहाँ पे भी कार्बन एंड यहाँ पे भी कार्बन होता है तो ये एक बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर एंड बहुत एक स्ट्रॉग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसके वजह से वो एक बहुत हार्ड मॉलिक्यूल होता है सो so, इसका करेक्ट आंसर है ए ऑल फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर कार्बन एटम्स बाय कार कोवेलेंट बॉन्ड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल Thank you.